करने वाले इंडियन बाइक ड्राइविंग 3D में भाई इंडियन वर्सेस पाकिस्तान। तो देखते हैं भाई यहाँ पे हमारे सामने भाई पाकिस्तान की गाड़ी, और भाई ये कौन सी गाड़ी है उसको आप कमेंट करके बताओगे। ये हमारी पाकिस्तान की 3 गाड़ी, और वो है गाइस हमारी बगल में इंडिया की गाड़ी। देखते हैं कौन सी गाड़ी जीतेगी सब गाइस। भाई इसमें करना क्या है भाई, यहाँ पे हमें जो यहाँ पे मेगा रैम दिया हुआ है इसको पार करते हुए सिंपली से गाइस हमें गाइस यहाँ पे बिल्डिंग पे चढ़ते हुए और दूसरी बिल्डिंग के ऊपर चढ़ते हुए एंड भाई फिर हमें वहाँ से नीचे उतरना है। एंड देखते हैं जो सबसे ज़्यादा सेफ तरीके से उतर जाएगा उसको देंगे गाइस हमने 10 में से 10 स्टार। देखते हैं क्या इंडिया जीतेगा क्या पाकिस्तान। जो चलो गाइस वीडियो को शुरुआत करते हैं एंड अभी के भी लाइक कर देना इसी बात के लिए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करने के बाद बैल नोटिफिकेशन पे ऑल पे जरूर से जरूर क्लिक कर दो। सबसे पहले गाइस हम लोग यहाँ पे चूज करने वाले पाकिस्तान कार को, हम लोग एक एक करके 3 कार, मतलब हमारे पास कुल मिला के 6 कार, और हम लोग एक एक करके तीनों कार को नीचे ले जाएंगे, जो कि जो भी भाई है सबसे अच्छी तरीके से जो कि सेफ लैंडिंग होगी जिसकी भी उसी को गाइस भाई हम लोग यहाँ पे रखने वाले। तो इसी बात के लिए देखना सारे बंदे लाइक कर दो एंड इस वाले वीडियो को अपने व्हाट्सएप के साथ जरूर शेयर कर देना। अगर आपका भी कोई फ्रेंड इस वाले गेम को खेलता है तो भाई इसी तरह के नए नए वीडियोस के लिए मुझे जरूर कमेंट्स कर दो कि गाइस नेक्स्ट किस टॉपिक पर मैं वीडियो बनाऊँ। और भाई यहाँ पे मैं गाड़ी को मैं बहुत धीरे से उतार रहा हूँ क्योंकि भाई गाड़ी को जंप करना है उसके अपने बिल्डिंग तक, और भाई यहाँ पे सभी गाड़ियों को जंप करना है। देखते हैं क्या इंडिया की गाड़ी जीतेगी या फिर पाकिस्तान कि भाई, और यहाँ पे भाई पाकिस्तान की गाड़ी का यहाँ पे गेट टूट चुका है सामने वाला, और ये क्या गाइस पाक भाई हमें उस वाले घर तक जंप लगाना है। एंड भाई पाकिस्तान की गाड़ी ये बड़ी ये गई उसकी स्पीड, और भाई पाकिस्तान की कार डिस्क्वालीफाई हो चुकी है, पहली पाकिस्तान की कार डिस्क्वालीफाई हो चुकी है। चलो कोई बात नहीं, अब चलते हैं पाकिस्तान की हम लोग दूसरी कार पे, और भाई और हम लेने वाले हैं पाकिस्तान की गाड़ी। और भाई यहाँ पे देखते हैं अब भाई पाकिस्तान की अब इंडिया की गाड़ी लेने वाले एक एक करके लेंगे जो भी गाई। सबसे पहले गई पाकिस्तान का भाई एक पॉइंट खत्म हो चुका, 3-3 पॉइंट सबको मिले हुए हैं। जैसे इंडिया के 3 कार और पाकिस्तान के 3 कार है, मतलब 3 पॉइंट पाकिस्तान का पहला कार तो हार चुका है। एंड देखते हैं क्या इंडिया का पहला कार कितनी दूर तक यहाँ पे सर्वाइव कर पाएगा। तो चलो गाई भाई उस तरफ मैं जल्दी से जल्दी देखते हैं आराम से जैसे मैं उस गाड़ी को किया था सेम उसी तरीके से मैं भी इसी गाड़ी को ही सपोर्ट दूंगा, और देखते हैं क्या इंडिया जीतेगा या पाकिस्तान। और भाई इंडिया की गाड़ी तो काफ़ी खतरनाक तरीके से चल रही है, और भाई ये क्या भाई इंडिया की गाड़ी को ये क्या हो गया भाई, अच्छे से चल रही है क्या? अच्छे से चल रही है भाई, बिल्कुल मक्खन तो चल रही है। और भाई इंडिया की गाड़ी ने ये फाइनली गई अपनी स्पीड बढ़ाई, और स्पीड बढ़ाने के बाद और भाई ये क्या भाई इंडिया की गाड़ी यहाँ पे नीचे गिरने वाली है, और फाइनली गाइस इंडिया की गाड़ी नीचे गिरते गिरते तक बच चुकी है। और भाई ये तो इंडिया के लिए काफ़ी बड़ा सवाल हो गया। तो चलो भाई इंडिया की गाड़ी ने काफ़ी अच्छा अपना दम दिखाया, एंड फाइनली भाई ये इंडिया की गाड़ी ने दम लगाया, और भाई ये वाली भी गाड़ी जिंदा नहीं बची। तो चलो भाई इंडिया की 1 पॉइंट भी ख़त्म, दोनों 2v2 पे चल रहे हैं, और देखते हैं कौन सी गाड़ी भाई मतलब एंड तक सरवाइव कर पाएगी। तो चलो गाइस हम लोग वापस चलते हैं पाकिस्तान की सेकंड नंबर कार पे, पाकिस्तान की कार को हम नीचे की तरफ, एंड देखते हैं क्या पाकिस्तान जीत पाता है इस तरफ है। भाई यहाँ पे अभी दोनों के भाई 2v2 है, एंड अभी दोनों के एक भी पॉइंट नहीं बने, तो देखते हैं कौन सा भाई अब यहाँ पे पॉइंट बनने वाला है। तो देखते हैं गाइस अभी हम लोग यहाँ से धीरे नीचे जा रहे हैं, क्योंकि भाई यहाँ पे देखते हैं कि फाइनल विनर कौन बनता है। और भाई अभी भी पाकिस्तान यहाँ पे 0 पॉइंट पे और इंडिया भी 0 पॉइंट पे, क्या लगता है गाइस कौन जीत पाएगा नीचे जाके कमेंट कर दो अगर आपको इसी तरह के नए नए वीडियो देखने। अरे भाई ये क्या पाकिस्तान की कार को क्या हो गया भाई, लो गाइस पाकिस्तान की कार भी यहाँ पे हार मान चुकी है, दोनों के भाई अभी 0 पे 0 पॉइंट चल रहे हैं। तो चलते हैं वापस से अब अपनी इंडिया के कार पे। अब पाकिस्तान के पास अब एक ही कार बची हुई है, एंड इंडिया के पास अभी 2 कार बची हुई है, एंड वापस से अब हम लोग इंडिया की कार को गाइस फाइनली भाई हम लोग ऊपर आ चुके हैं। भाई यहाँ पे पाकिस्तान की एक कार बची हुई है जो कि गाइस अभी हार गई थी, एंड भाई पाकिस्तान के अभी भाई 0 पॉइंट है एंड इंडिया के भी 0 पॉइंट। तो देखते हैं भाई लास्ट राउंड में यहाँ पे मतलब अभी लास्ट राउंड तो नहीं हो रहा, एंड अभी यहाँ पे 2 कार और बाकी है। तो भाई अब मैं ले जाने वाला हूँ एक और इंडिया की कार, एंड देखते हैं क्या इस बार इंडिया की कार 1 पॉइंट बना पाएगी या फिर भाई इंडिया की कार भी ऐसी ही रह पाएगी। तो चलो गाइस भाई अब मैं यहाँ पे इंडिया की कार में बैठ चुका हूँ, एंड गाइस अभी मैं यहाँ पे इंडिया की कार से भाई अब जाने वाला हूँ बिल्कुल धीरे धीरे से, क्योंकि भाई अभी काफ़ी क्योंकि अभी भी इंडिया पे भी 0 पे चल रही है, एंड भाई चाहता हूँ भाई यहाँ पे कोई ना कोई तो पक्का जीते। तो देखते हैं भाई कौन जीतता है इस वाले मैच पे। और भाई ये क्या इंडिया ने यहाँ पे ये वाला रैम क्यों पकड़ लिया पता नहीं, मुझे भी नहीं पता, आई थिंक भाई ये इंडिया की भाई देखते हैं यार कोई मतलब कोई नई तरकीब होगी जिससे भाई वो अपना पॉइंट बना पाए। और भाई ये क्या इंडिया के काफ़ी कार डैमेज हो चुकी है। तो चलो भाई इंडिया यहाँ पे धीरे धीरे नीचे उतर रहा है, और भाई देखते हैं भाई यहाँ पे कब तक भाई इंडिया सर्वाइव कर पाएगा, क्या गाइस भाई अभी इंडिया वो वाले प्लेटफॉर्म पे जा पाएगा, क्योंकि अभी तक उस वाले प्लेटफॉर्म पे कोई भी नहीं जा पाया। एंड फाइनली गाइस भाई वो वाला प्लेटफॉर्म
अब बस आने ही वाला है एंड देखते हैं क्या इस वाले प्लेटफॉर्म पे क्या इस बार इंडिया जा पाएगा। और ये क्या इंडिया ने यहाँ पे आके अपनी गाड़ी रोक दी, और भाई ये क्या टर्न ले रहे हैं वो अपनी गाड़ी को, आई थिंक वो यहाँ से स्पीड बना रहे हैं। और फाइनली गाइज इंडिया यहाँ पे पहले पॉइंट के साथ इस वाले रैंप पे पहुँच, मतलब इस वाले बिल्डिंग के ऊपर पहुँच चुका है। एंड इंडिया ने ये क्या एक और बहुत बड़ा रैंप पकड़ लिया, और भाई ये क्या इंडिया ने तो काफ़ी तगड़ी तरीके से खेलते हुए बहुत ज़्यादा आगे तर पे चल गए हैं। और ये क्या इंडिया ने फुल स्पीड लगाई, तो फाइनली गाइज इंडिया का यहाँ तक मतलब एक बिल्डिंग पार कर गया। तो चलो भाई अब यहाँ पे देखते हैं और बाकी की कार्स क्या कर पाएगी, तो जल्दी से और हम लोग पहुँचते हैं अपनी और दूसरी कार पे ना लिया है, क्योंकि भाई वो एक बिल्डिंग तक पहुँच पाई हम ना। अब देखते हैं भाई पाकिस्तान की लास्ट कार बची है, इंडिया की भी लास्ट कार, ये देखते वो पॉइंट बना पाते या फिर नहीं। तो भाई यहाँ पे ये कार जा रही है अब नीचे भाई फुल स्पीड में, और इस बारी भाई ये क्या हो गया पाकिस्तान वाले भाई इस कार को इतने ज़्यादा स्पीड क्यों रख रहे हैं मुझे भी नहीं पता। और भाई ये क्या भाई ये तो अनलिमिटेड स्पीड हो गई, और भाई ये क्या पाकिस्तान वाले भाई यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्पीड पे चल रहे हैं, और भाई ये क्या गाड़ी को इतने ज़्यादा फुल स्पीड पे लेके, और भाई फाइनली भाई पाकिस्तान वालों ने यहाँ पे ट्रिप्ट मार के एक अपना काफ़ी अच्छा सा शो दिखा दिया। और भाई ये क्या भाई ओ भाई साहब अभी गिरते गिरते भाई पाकिस्तान वाले बचे बड़े, और पाकिस्तान वालों का भी यही तरीके है वो यहाँ से भाई फुल स्पीड पे आके वे पर, ओ भाई साहब पाकिस्तान वाले यहाँ पे सर्वाइव कर पाएंगे नहीं। ओ भाई फाइनली पाकिस्तान वालों की गाड़ी अटक चुकी है, मतलब भाई अब सेकंड राउंड में अब इंडिया को ही कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि अगर भाई पाकिस्तान के भी 1 पॉइंट बन चुके इस बिल्डिंग पे आके, क्या लास्ट राउंड में भाई इंडिया यहाँ पे जीत पाएगा। चलो भाई देखते हैं ये रही लास्ट की भाई वो इंडिया की कार, एंड भाई इंडिया के भी 1 पॉइंट हो चुके हैं, पाकिस्तान के भी 1 पॉइंट हो चुके हैं, क्या देखते हैं लास्ट राउंड में क्या इंडिया जीत पाएगा। भाई अब लग रहा है भाई इंडिया थोड़ा घबराया सा है। तो गाइस सारे बंदे इसी बात पे लाइक कर दो अगर आप चाहते हैं इंडिया जीते, एंड पाकिस्तान चाहते हो तो भाई सब्सक्राइब भी कर देना अगर आप दोनों को चाहते हैं कि गाइस अगर आप चाहते हैं इंडिया भी जीते और भाई इंडिया को भी जीतना है तो सब्सक्राइब करो एंड बेल नोटिफिकेशन भी ऑल पे क्लिक करो, ताकि ऐसे ऐसे कमाल धमाल की वीडियो इसी चैनल पर आती रहती है। और भाई ये क्या भाई इस बार इंडिया वालों ने भी ट्रिफ्ट काफ़ी बहुत तगड़ी वाली मार दी, लेकिन अभी भी देखते हैं अभी भी वहाँ पे फर्स्ट बिल्डिंग काफ़ी ज़्यादा दूर है भाई, उस पर पहुँचने के लिए आई थिंक थोड़ा ज़्यादा टाइम नहीं लगने वाला, क्योंकि भाई इंडिया भी काफ़ी रफ्तार से, और भाई ये क्या इंडिया ने अभी रफ्तार थोड़ी धीरे कर लिया, आई थिंक भाई वो चाहते इस वाले राउंड को भाई थोड़ा फोकस से जीते। तो भाई देखते हैं क्या लास्ट राउंड में क्या गाइस इंडिया यहाँ पे कुछ कमाल दिखा पाएगा। और भाई ये आ चुका है भाई यहाँ पे बिल्डिंग, और भाई इंडिया वालों ने यहाँ पे थोड़ी स्पीड बढ़ा के, और भाई फाइनली इंडियन वालों का भाई 1 पॉइंट तो इस बिल्डिंग के बना हुआ है, अगर वो अगली वाली बिल्डिंग तक अच्छे से पहुँच जाएंगे सो उनका हो सकता है भाई यहाँ पे मतलब आगे वाले बिल्डिंग में अगर अच्छे तरीके से पहुँच जाते भाई उनका। ये की कार भाई ये वाले रैंप पर भाई जा चुकी है, और भाई ये क्या ये वाले फाइनली रैंप पर आने के बाद भाई इंडिया की कार भाई मुझे लग रहा है गाइस भाई नहीं जा पाएगी इससे आगे, आई थिंक भाई उनको यहाँ पे कार अपनी गाड़ी को पीछे लेना पड़ेगा। और भाई देखते हैं भाई दोनों तरफ से बहुत गंभीर मामला चल रहा है, आई थिंक भाई ये वाला भाई इनके हिसाब से भाई सबसे मुश्किल रहने वाला है, क्योंकि भाई ये अब तक का सबसे खतरनाक रहने वाला इंडिया के लिए, क्या इंडिया भाई पाकिस्तान को हरा पाएगा। सो गाइस भाई यहाँ पे हम लोग भाई इंडिया की गाड़ी को भाई काफ़ी सावधानी तरीके से हम लोग भाई चलाते हुए, और भाई ये क्या भाई फाइनली इंडिया की कार में देखते कुछ दम है या फिर नहीं। और भाई ये क्या पूरी फुल स्पीड गाड़ी में लगा रखे कि भाई टर्न हो जाए बस हल्की सी गाड़ी, और ये फाइनली टायर आ चुका, और भाई ये वो भाई साहब फाइनली गाइस भाई इंडिया मतलब दो बारी उस बिल्डिंग पे आ चुका, एंड गाइस पाकिस्तान सिर्फ एक बार बिल्डिंग पे आ चुका, मतलब गाइस भाई इंडिया जीत चुका। इसी बात के लिए लाइक सब्सक्राइब कर देने, वीडियो में लगे तब तक के लिए गाइस बाय बाय।